नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। रीवा जिले के नईगढ़ी विकास खंड का सनसनीखेज मामला। मीडिया के कैमरे से भागते दिखे स्कूल के प्राचार्य महोदय। जब मीडिया ने स्कूल प्राचार्य से बात करना चाहा तो स्कूल के प्राचार्य किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, मीडिया को ही धौंस दिखाने लगे। आपको बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर में बच्चों को न तो क्लास टीचर का नाम पता है, न ही स्कूल का और न ही प्राचार्य का। मीडिया को देखते ही स्कूल प्राचार्य ने स्कूल का दरवाजा बंद करा लिया। उसके बाद भी मीडिया के लोगों ने स्कूल के अंदर जाकर बच्चों से उनकी परेशानी के बारे में जानकारी ली। पढ़ाई के बारे में बच्चों ने कहा, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, महीने में एक आध बार पढ़ाई हो जाती है और बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही स्कूल में पंखे लगे हैं। बच्चों के द्वारा बोला गया कि स्कूल में टीचर टाइम से नहीं आते हैं, इस कारण से आए दिन स्कूल के बच्चों से लड़ाई झगड़ा होता है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य भी महीने में एक बार स्कूल में दस्तक देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को पानी पीने स्कूल की बाउंड्री के बाहर जाना पड़ता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर के प्राचार्य महोदय को मिला है राजनीतिक संरक्षण। कई बार इनकी जांच हो गई है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण इन महोदय पर कुछ कार्यवाही नहीं होती है, ऐसा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने मीडिया को जानकारी दी है। बच्चों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द जांच की जाए और दोषी शिक्षकों पर कार्यवाही की जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, सत्येंद्र रावत की रिपोर्ट। आपके बच्चे का क्या नाम है? हमारे बच्चे का नाम है मिथिलेश कुशवाहा। किस स्कूल में पढ़ता है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आपके बच्चे का कहना है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है और जिस कारण से बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल में पढ़ाई इसलिए नहीं होती है सर जी, जब कोई रहते नहीं है वहाँ। अच्छा। सरकारी कर्मचारी कोई रहते नहीं, सब प्राइवेट हैं। अच्छा। उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको कोई जो उन्हें वो नहीं है, बच्चन की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो पीरियड ले के अपन चलेंगे ऑफिस में, पीरियड वगैरह नहीं लगती है। अच्छा, पीरियड वगैरह नहीं लगती है। आपके बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कि पीरियड नहीं लगती है। पीरियड नहीं लगती है। इस बारे में आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन से यही कहना चाहते हैं कि बाहरी लोग जो उन्हें भीड़ स्कूल के अंदर न घुसे। अच्छा। और जो है बच्चे बच्ची वहाँ रहती हैं तो उनके साथ छेड़खानी करते हैं। अच्छा, स्कूल के प्राचार्य और गवर्नमेंट टीचर के न होने के कारण बच्चों के साथ बाहरी लोग आके अभद्रता करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते। अच्छा, ऐसा ही मामला कुछ कल हुआ है जिसके बाद जिसका घटनाक्रम आपने 22 तारीख को जिसका घटनाक्रम आप सुबह 2 बजे अच्छा 2 बजे हुआ है, तो आप इसका इन सभी कारणों का जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे? प्रचार सर जी, प्रचार को ठहराना चाहेंगे। भीर स्कूल के प्रचार का क्या नाम है? आदित्यनाथ तिवारी। आप लोग जिम्मेदार किसको ठहराएंगे सब मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले? आदित्यनाथ तिवारी को। सरकारी तो है सर जी, और तो सब प्राइवेट। अच्छा, आपका कहना है कि सरकारी टीचर वही आते हैं जो आते हैं, सरकारी गवर्नमेंट के बाद कोई टीचर नहीं आता। स्कूल में साफ सफाई रहती है कि नहीं रहती है? स्कूल में साफ सफाई कुछ नहीं रहती है। पानी वानी की व्यवस्था लड़कों का? पानी वानी व्यवस्था कुछ नहीं है, हैंड पंप भर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हैंड पंप चला था कि नहीं चला? क्या नाम है आपका? हैंड पंप चला था वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा। कौन सी तहसील है आपकी? हमारी तहसील मऊगंज। कौन सी तहसील है आपकी? नईगढ़ी। जिला कौन सा लगता है? रीवा। आप लोग सहमत है अपने गार्जियन की बातों से? जी जी। क्या नाम है आपका? पुष्पराज प्रिया। किस स्कूल में पढ़ते हैं? उच्च माध्यमिक विद्यालय। कौन सी क्लास में? 9 से। आप? पुष्पन कुमार साहू। आप? सूरज कुमार साके। आप ऐसे स्कूल के प्रचार पर क्या क्या कार्रवाई करवाना चाहेंगे शासन प्रशासन से, क्या मदद चाहे? सर, हम लोग निकलवाना चाहते हैं, ऐसी कार्रवाई नहीं है ना। ठीक है, इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।